Hi friends, this is hashtag BK Singh Bharat YouTube channel. दोस्तों स्वागत है आपका फेवरेट YouTube चैनल हैशटैग बीके सिंह भारत में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ SSC GD के सिलेबस के बारे में कि SSC GD की सिलेबस क्या रहने वाली है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। SSC GD 2018 की जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम ली जाएगी। क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। दोस्तों यह जो सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। उसके बाद पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यानी कि गणित है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसका 25 नंबर भी मिलेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं पार्ट डी के बारे में। पार्ट डी जो है इसमें इंग्लिश या हिंदी, यह आपको चूज करना होगा एग्ज़ाम देने के समय कि आपको इंग्लिश पेपर देना है या हिंदी देना है। इसमें हिंदी या इंग्लिश के किसी एक भाषा के क्वेश्चन आपको देने हैं, वो भी 25 क्वेश्चन देंगे 25 नंबर के। इस पूरे एग्ज़ाम के लिए आपको 90 मिनट का वक्त दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट समय रहेगा आपके लिए। यह जो एग्ज़ाम होगी वह 2 भाषाओं में होगी, हिंदी और इंग्लिश में। आप इन दोनों में से किसी भी भाषा में कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये मैट्रिक के लेवल के पूछे जाएंगे। तो यही थी SSC GD की सिलेबस 2018 की। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एवं सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।